हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीमा डॉट समीर में। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम फिर से एक रेसिपी लेके आप लोगों के सामने हाजिर हो गए हैं। तो ये है यूपी और बिहार का फेमस लिट्टी चोखा। तो आप लोग प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखते रहिए, आई होप आप लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो देखिए, हम चोखा बनाने के लिए सबसे पहले हम बैंगन और टमाटर को पकने के लिए रख देंगे, जो कि आग में पकाना पड़ता है। अगर आप लोग आग में नहीं पकाना चाहते हैं तो आप लोग कुकर में इसको मतलब हल्का सा बॉयल जैसा करके, उसके बाद उसमें जैसे हम मतलब प्याज लहसुन ये सब जो देंगे वो सब आप लोग दे के कर सकते हैं, लेकिन उसका स्वाद और इसका स्वाद में बहुत अंतर होता है। इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि आग में ही पकाने का। जानते हैं कि गैस के ऊपर तो और आपका चूल्हा के ऊपर में बहुत अंतर होता है, फिर भी कहता है ना, आग का पका हुआ कोई भी चीज़ खाने का टेस्ट ही अलग होता है। तो देखिए, हम बैंगन और टमाटर को अच्छा से पकने दे रहे हैं। टमाटर तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, बैंगन होने में थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि मेरा बैंगन काफ़ी बड़ा था इसीलिए हमको टाइम लग रहा था। तो उसको होने देते हैं, तब तक हम लिट्टी बनाने के लिए उसका डो तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा तो उसके लिए हम आटा लिए हैं सिर्फ, और अगर आप लोग आटा मैदा मिक्स करके बनाना चाहते हैं तो आप लोग बना सकते हैं। आटा में हम थोड़ा सा अजवाइन डाल दिए हैं, और अजवाइन से अच्छा फ्लेवर आता है और हजम के लिए भी अच्छा होता है। और उसमें थोड़ा रिफाइंड ऑयल डाल दिए 2 टेबल स्पून, और अजवाइन डाले हैं 1 टेबल स्पून। अब इसमें नमक डाल के अब इसको अच्छी तरह से हम गूंथ लेंगे। और हाँ, इसका आटा थोड़ा सख्त गूंथिएगा तभी खस्ता होगा। अगर नरम गूंथेंगे तो ये खस्ता नहीं होगा, मतलब नरम नरम जैसा ये लगेगा खाने में। देखिए, मेरा डो तैयार हो गया है और इसका आटा हम थोड़ा सख्त तैयार किए, नॉर्मल आटा से, बस थोड़ा सा सख्त रखिएगा, ज़्यादा नहीं। अब हम इसको थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। इसको हम ढक के 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हम जो इसमें हम फिलिंग तैयार करेंगे, मतलब देने के लिए, छतु लिए हैं। छतु में हम प्याज, कलौंजी, अजवाइन, अदरक, लहसुन ये सब डाल दिए हैं, सब 1 टेबल स्पून करके। और नमक, और जो आम का जो अचार होता है, आम का अचार चाहे आम का मसाला आप लोग ले सकते हैं। हम आम का अचार लिए हैं, इसमें मेरा मसाला भी लगा हुआ है, और इसमें सरसों का तेल या आप मसाला का तेल भी ऐड कर सकते हैं, उससे और अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें धनिया पत्ता भी डाल दिए हैं, और हाँ, हरी मिर्च तो ज़रूर डालिएगा आप लोग, अपना तीखा अनुसार आप लोग हरी मिर्च डालिएगा। और इसको अब हम अच्छी तरह से इसको माख देंगे, और इसमें हल्का सा पानी का छींटा दे के माखिएगा, नहीं तो ना जब लिट्टी जब तोड़ के खाएंगे ना तो सारा फीलिंग्स ना गिर जाता है ज़्यादा ड्राई रहने से, इसलिए हल्का सा पानी छींटा मार के, मतलब ऐसे भी अगर छातू का या पराठा बनाइए चाहे कुछ भी बनाइए ना, तो उसमें हल्का सा छींटा मार के फीलिंग को अगर रेडी कीजिएगा तो छातू तो गिरता नहीं है, वेस्ट नहीं होता है। तो इसीलिए हम जब भी छातू का कोई भी चीज़ बनाते हैं तो छातू में हल्का सा हम पानी मतलब छींटा मार के ही उसको माखते हैं। अब देखिए, इसमें हम छोटी छोटी लोई तोड़ लिए हैं। हम अप्पा पैन में बनाएंगे, इसलिए अप्पा पैन के अनुसार ही हम मतलब लीची तो काटे हैं। तो भी मेरा थोड़ा बड़ा हो गया था, आप लोग थोड़ा छोटा बनाइएगा तो सही रहेगा। तो देखिए, हम इसमें हम बना लिए हैं। अब इसको हम पूरा गोल कर देंगे, लिट्टी जैसा पूरा गोल करके। अब इसी तरह से सारा तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम अप्पा पैन में एक साथ देंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को, मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ जिनके जिनके घर में ये लिट्टी चोखा खाते हैं वो प्लीज़ हमको कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ये रेसिपी हम सही बना रहे हैं या नहीं। प्लीज़ आप लोग अगर अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिए, अगर नहीं भी अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिए, ताकि हमको भी समझ में आए कि हम कहाँ पे गलती करते हैं नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो एकदम मत भूलिए। देखिए, मेरा सारा
तैयार हो गया है। अब ये मेरा जो अपर पैन है इसको हम गरम होने के लिए रख दिए थे, मेरा गरम हो गया। अब हम इसमें सारा जो लिट्टी तैयार किए हैं उसको रख दे रहे हैं सिकने के लिए। देखिए, हम बोले थे ना कि मेरा अपर पैन के अनुसार से लिट्टी बड़ा हो गया है, इससे ईस्ट साइड वाला जो है वो ज़्यादा बड़ा हो गया था। फिर हम नेक्स्ट वाला जो बनाए थे वो पूरा सही बना, मतलब छोटा छोटा साइज में बोल रहे सही हुआ था। तो इसको हम ढक देंगे और थोड़ी थोड़ी देर में इसको उलट पलट करते रहना होगा ताकि ये पूरी अच्छी तरह से सीखे। तो ये जब तक पक रहा है तब तक हम इसमें चोखा तैयार कर लेते हैं। तो बैगन जो हम पुरने के लिए, जो आग में पकने के लिए जो रखे थे वो मेरा पक चुका है, टमाटर और बैगन। और इसको हम अच्छी तरह से पहले जो ब्लैक जो जल गया है उसको हम रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद इसमें जो जो हम मसाला ऐड करेंगे वो आप लोग देखिए। तो इसमें हम अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और हरा धनिया, नमक और नींबू। आप लोग अगर चाहे तो नींबू दे सकते हैं, लेकिन मेरे घर में कोई खट्टा उतना पसंद नहीं करता है इसलिए हम नहीं डाले हैं। आप लोग नींबू दे सकते हैं क्योंकि खट्टा खट्टा होने से और थोड़ा खट्टा होने से ज़्यादा अच्छा लगता है। और देखिए, हम बॉयल आलू पहले से बॉयल, मतलब आलू को पहले से हम बॉयल कर लिए थे और इसमें हम आलू को भी डाल दिए हैं। आप लोग चाहे तो आलू नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन आलू डालने से ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, क्योंकि ये लिट्टी के साथ जो मतलब खाने वाला चोखा तैयार कर रहे इसलिए आलू देने से ज़्यादा टेस्ट होता है। तो देखिए, आप लोग को बोले थे ना कि अपर पैन में मेरा ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा बड़ा हो गया, इसलिए सीखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। और कुछ नहीं, क्योंकि ये अपा का जो गोल गोल जो शेप होता है उससे ज़्यादा बड़ा हो गया था, तो सीखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा था और हमको बहुत बार घुमा घुमा के तब इसको सीखना पड़ा। क्योंकि अगर ये अच्छी तरह से सीखेगा नहीं तो करारा नहीं होगा और खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा। और हम इसके ऊपर ऊपर से घी ब्रश करते जा रहे थे। आप लोग घी नहीं तो रिफाइंड ऑयल से भी कर सकते, लेकिन लिट्टी तो एक्चुअली घी में ही अच्छा लगता है, ये आप लोग भी जानते हैं। हम इसको बाद में भी घी से डीप किए थे, लेकिन जब हम इसको पलट रहे थे तो उसमें भी घी डाल दे रहे थे ताकि और अच्छा टेस्ट आए। देखिए, मेरा अब ये लिट्टी लगभग हो चला और हम थोड़ी देर के लिए इसको ढक दिए ताकि और अच्छा से, मतलब अंदर से पूरा करारा हो जाए, ऊपर से ब्राउनिश और ऊपर से जब तक मतलब थोड़ा सा क्रैक नहीं आएगा हो गया तब तक मतलब ये लिट्टी अभी तक नहीं हुआ। तो देखिए, मेरा हल्का हल्का क्रैक आ गया है, मतलब अब मेरा ये लिट्टी लगभग रेडी हो गया है। जो बड़ा बड़ा वाला है वो थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहा था और जो साइज का था वो लगभग हो ही गया था। तो उसको हम इधर उधर करके ज़्यादा ये नहीं कर रहे थे, बड़ा वाला सबका टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था। देखिए, मेरा लगभग हो गया, अब हम इसको उतारेंगे। उतारने के बाद आप लोग को सर्व करके दिखा रहे हैं कि देखिए मेरा कैसा बना है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा मेरा ये रेसिपी आप लोग को कैसा लगा। आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू।